नमस्कार मित्रों, ओनली प्रैक्टिस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अक्सर हम अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंस बोलते रहते हैं, जैसे चाय ठंडी हो रही है, समोसे ठंडे हो रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है, रबड़ी ठंडी हो रही है। तो दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बार बार शब्द आ रहा है ठंडा हो रहा है या फिर गर्म हो रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे गेटिंग कोल्ड या फिर गेटिंग हॉट। तो चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे, नाउन प्लस इजेमार प्लस गेटिंग प्लस कोल्ड या फिर हॉट प्लस अदर वर्ड। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। जो वस्तु एक होगी उसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, जो वस्तु एक से अधिक वहां पर आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड। दूध ठंडा हो रहा है, मिल्क इज गेटिंग कोल्ड। चपाती ठंडी हो रही है, चपाती आर गेटिंग कोल्ड। रबड़ी ठंडी हो रही है, रबड़ी इज गेटिंग कोल्ड। पानी गर्म हो रहा है, वाटर इज गेटिंग हॉट। जूस गर्म हो रहा है, जूस इज गेटिंग हॉट। खाना ठंडा हो रहा है, फूड इज गेटिंग कोल्ड। समोसे ठंडे हो रहे हैं, रिजोल्स आर गेटिंग कोल्ड। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए क्विज है, कचौरियाँ गर्म हो रही है, काफ़ी ठंडी हो रही है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।